hope you are all fit and fine. Today we discuss about exercise 4.3 word problem के question हम कुछ solve कर रहे थे. Question 6 तक हम solve कर चुके हैं. आज हम क्या करेंगे? Questions number 7. Question number 7 की statement क्या है? कि the difference of square of two number is 180. The square of smaller number 8 times the larger number. Find the two number. अब आपके पास क्या given है? कि दो numbers हैं. दो नंबर आपके पास, ये नहीं पता कि क्या है वो नंबर्स, उनका डिफरेंस, उनके स्क्वायर का डिफरेंस एंड वो क्या है 180 एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर आपके पास है उसका स्क्वायर किसके इक्वल है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है. तो हम क्या मान लेंगे, फाइंड द टू नंबर, टू नंबर्स आपने निकाल लो, दो नंबर आपने निकालने. अब हमें नहीं पता है कि दो नंबर कौन सा है, तो हम लेट करके चलते हैं कि लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया x. नेक्स्ट क्या मान लेंगे, स्मॉल नंबर, क्योंकि हमारे पास लार्जर एंड द स्मॉल नंबर गिवन है. लेट द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो हमने क्या किया y का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर एंड लार्जर नंबर व्हिच इज x, 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर क्या हो गया 8x. क्लियर है तक? ये क्या होगी इक्वेशन हमारी फर्स्ट. एंड देन क्या हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, टू नंबर क्या हो गया हमारे पास x एंड y, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर डिफरेंस है माइनस y स्क्वायर क्या गिवन है 180. ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड. इज दैट क्लियर? आई होप आपको यहां तक का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा कि लार्जर नंबर एंड स्मॉल नंबर दो हमारे पास ऐसे नंबर गिवन है, बट ये नहीं पता कि क्या गिवन है, तो इसलिए हम उसको लेट करके चल रहे कि लार्जर नंबर हमने क्या मान लिया x एंड देन स्मॉलर नंबर इज y. देन क्वेश्चन क्या बोल रहे कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, कि स्मॉलर नंबर क्या लेना है स्क्वायर, तो हमने y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिया है 8 टाइम्स लार्जर नंबर, तो 8 टाइम्स क्या हो गया 8x. Is that clear? Now, अब क्या करेंगे हम कि y की वैल्यू क्या हमारे पास, y स्क्वायर की वैल्यू क्या 8x. अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. यस, तो हम पुट द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे, बिल्कुल x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू क्या हो गया 180. ये 180 प्लस है, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्या हो गया 180 इज इक्वल टू क्या हो गया 0. अब इसके क्या बनाने फैक्टर, अब फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, अगर हम 18 में से 10 को माइनस कर देते हैं तो 8 मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, और 18 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 हो जाएगा, यस. तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फैक्टर क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0. अब क्या निकालें, कॉमन, कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, x कॉमन निकाला तो क्या बन गया x माइनस 18 एंड प्लस 10 कॉमन निकाला तो क्या हो गया x माइनस 18 इक्वल्स टू 0. ब्रैकेट के अंदर देखो हमारे नंबर्स क्या सेम है, मींस फैक्टर क्या है हमारे करेक्ट, x प्लस 10 एंड x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. जीरोस पे जब आपने इक्वल रखा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू माइनस 10, जो कि हम कभी नेगेटिव नंबर नहीं लेके चलते हैं क्योंकि नेगेटिव नंबर कोई नंबर आपको शो होता ही नहीं है. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, दो नंबर आए हमारे पास, एक आया नेगेटिव एक आया पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर हमेशा हम नेगलेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव क्या आया 18. तो x की वैल्यू मतलब लार्जर नंबर क्या आया हमारे पास 18, तो लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या आ गया 18 आ गया, यस. देन स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, अब x की वैल्यू 18 आई है, y की वैल्यू नहीं है 18, y तो क्या स्मॉलर नंबर है. अब आपने ये देखना कि
y की वैल्यू कैसे आएगी? यहाँ पे देखो y square is equal to क्या है 8x। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो y की वैल्यू मिल जाएगी। यस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्मॉल नंबर y square is equal to 8 multiply 18 because x की वैल्यू क्या है 18 और इक्वेशन क्या है y square is equal to 8x। तो y square 18 8 जा होता हमारे पास क्या 144। तो y स्क्वायर है, इसको क्या कर देंगे हम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 प्लस माइनस। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई है, दो वैल्यू आ गई y की, एक तो आई पॉजिटिव 12 और एक आई हमारे पास नेगेटिव 12 और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 18। दैट इज योर आंसर कि लार्जर नंबर हमारे पास क्या है 18 एंड स्मॉलर नंबर क्या है हमारे पास 12 एंड द माइनस 12। क्लियर है तक? आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कि दो नंबर हमें नहीं पता कि कौन से नंबर है, क्या नंबर है, इतना पता है कि एक नंबर स्मॉलर है, एक क्या है लार्जर। स्टेटमेंट को पढ़ते जाओगे उसके की पॉइंट को समझोगे कि स्टेटमेंट क्या है। अगर अच्छे से आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर लोगे। जैसे कि क्वेश्चन बोला है कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, तो हमने क्या किया स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, देन बोला 8 टाइम्स अगर आ जाए तो मतलब वो मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, लार्जर नंबर व्हिच इज x। इज दैट क्लियर कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। हमने फिर क्या है सेकंड केस में क्या बोला हमारे पास केस इन सेकंड में कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर क्या है x एंड y, उनका स्क्वायर हो गया एंड दैट डिफरेंस हमने निकाल लिया क्या आ गया 180। डायरेक्ट ओनली कुछ नहीं किया है, y के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमने पुट किया इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, देन इट इज मेड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सोल्व देम। ये कैसे सोल्व हुई है, कैसे किया, हमने फैक्टर निकाले, फैक्टर जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। अगर फिर भी आपको फैक्टर निकालने नहीं आते तो पहले जाके मैं प्रीवियस क्लास को देखो जो फैक्टराइजेशन की है, आपको पता लग जाएगा कि मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करते हैं। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूले, साथ साथ आप शेयर भी करते रहे। अब करते हैं क्या इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8। क्वेश्चन 8 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपका आता ही क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है आपकी, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो किलोमीटर यूनिट्स अगर आपको पता है तो यूनिट देखते आप पता लगा लोगे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। किलोमीटर गिवन है तो मींस आपके पास डिस्टेंस, किसके डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस कितने गिवन है 360 किलोमीटर। इज दैट क्लियर। देन इफ द स्पीड हैड 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर किसकी यूनिट होती है, स्पीड की। अब हमारे पास स्पीड नहीं गिवन है कि स्पीड कितनी है, ये तो बोल रहा है कि ओनली जो स्पीड है वो आपकी 5 किलोमीटर आर जो है वो मोर देन है, बट किसकी मोर देन है ये गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड को पहले लेट करके चलेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या गिवन है x किलोमीटर पर आर। देन क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इफ द स्टेटमेंट हैड 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव बीन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अब हमारे पास जो स्पीड है वो क्या 5 किलोमीटर मोर है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी आपके पास मोर बोला तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। Is that clear? I hope आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो डिस्टेंस है, स्पीड है। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस विच इज गिवन 360 एंड स्पीड इज x। क्लियर है तक? टाइम क्या होगा 360 अपॉन x। अब टोटल टाइम क्या है 1 आवर लेस है, लेस का मतलब क्या होता है माइनस। तो टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन क्या हो गया हमारे पास 360 अपॉन x, लेस क्या माइनस 1। लेस मतलब क्या होता है माइनस करना होता है, कितना लेस है 1 आवर, तो हमने क्या करते हैं 1। ये क्या आ गया आपके पास टाइम। इज दैट क्लियर। आपके पास डिस्टेंस होगी, स्पीड x प्लस 5 है, टाइम गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, निकालना क्या है स्पीड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम, क्या होता है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। एंड इन क्वेश्चन गिवन दैट कि डिस्टेंस इज 360 एंड स्पीड विच इज गिवन x प्लस 5 एंड टाइम इज 360 अपॉन x माइनस 1। क्लियर है तक? अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट दोनों, तो ब्रैकेट मतलब मल्टीपल है, तो इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे x को 360 अपॉन x से करेंगे, तो पहले अलग अलग कर लेते ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि क्वेश्चन हमने कैसे किया है। माइनस वन प्लस फाइव के साथ भी कर देंगे हम 360 अपॉन x माइनस वन, ठीक है। x को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x x कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 360, क्या बच गया हमारे पास 360। x को जब माइनस वन से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x, देन जब 5 को हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 500, 5 6 जा 30, 3 कैरी गया, 5 3 जा 15, 15 और 3 क्या होगा 18 अपॉन x माइनस क्या होगा 5, ये 360 है, ये प्लस है, इस साइड क्या होगा माइनस, माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यस हो जाएगा इजीली। अब हमारे पास क्या बचते हैं, माइनस x प्लस 1800 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे x का, ये क्या हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस 1800 माइनस 5x इज इक्वल टू 0, ये डिवाइड है इस साइड आके क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी माइनस x स्क्वायर प्लस 1800 माइनस x इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस कॉमन निकाल तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना हमने फैक्टर, कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 का फैक्टर आप कैसे निकालोगे। अब देखो आपने दो डिजिट ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या है 1800, प्लस या माइनस करने के बाद क्या बचे हमारे पास 5। अब फैक्टर निकालने का मुझे मैंने आपको एक तरीका बताया कि आप ऐसे फैक्टर निकालो, ठीक है। ऐसे फैक्टर जब आप निकालो तो आपके पास दो नंबर आएंगे, एक तो आएगा 45 एक आएगा 40, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे देन 45 को जो 40 में से माइनस करो तो 5 मिल जाएगा, 45 को जो 40 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमें 1800। जैसे 0 एडिट इज 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 4 5 से 20, 2 कैरी गया, 4 4 से 16, 16 एंड 2 कितना हो गया हमारे पास 18। तो हमारे पास फैक्टर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लेंगे, यस x कॉमन निकाला दैट इज x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन निकाला x प्लस 45, तो हमारे पास क्या क्या नंबर आ गए x माइनस 40 एंड x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आती है 40, एक आती है माइनस 45, जो नेगेटिव हम नेगलेक्ट करते हैं, कभी नेगेटिव स्पीड में नहीं होती आपके पास, तो इसलिए स्पीड क्या आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। कि हमने स्पीड निकालनी थी एक ट्रेन की, वो स्पीड क्या है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी कि एक डिस्टेंस गिवन है 360 किलोमीटर आपके पास, जिसमें स्पीड हमारे पास गिवन नहीं है, तो स्पीड को क्या मान लिया हमने x। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है स्टेटमेंट कि स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर क्या है मोर है, तो मोर देन x प्लस 5। टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 360 अपॉन x, आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओनली वैल्यू हमने क्या किया पुट किया देन उसको सॉल्व किया, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते तो आप बनाओगे उसके फैक्टर। फैक्टर निकालने का मेथड मैंने आपको बताया कि आप ऐसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे आप फैक्टर निकालते हैं। तो दो नंबर हमें कौन क्या क्या मेरे 45 एंड 40, बस जस्ट क्वेश्चन के अंदर पुट किया और x की वैल्यू आपके पास दो आई है, एक तो आई नेगेटिव एक क्या है पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर हम कभी नहीं लेके चलते, नेगेटिव करते, तो इसलिए पॉजिटिव नंबर क्या है विच इज दैट 40 किलोमीटर पर आर, तो स्पीड क्या आ गया आपके पास एक ट्रेन की 40 किलोमीटर पर आर। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 8, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये आता है। एक 4.1 का क्वेश्चन था ट्रेन वाला स्पीड का और एक ये 4.3 का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब करते हैं क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9
आपके पास क्या है कि मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, स्टेटमेंट कुछ ज्यादा ही बड़ी थी तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्वेश्चन 9 क्या है आपकी कि टू वाटर टेप्स, कि आपके पास दो वाटर टेप है पानी भरने वाला जो पैड जिसे हम बोलते हैं, वो एक टैंक को फिल कर रही है कितने घंटे में कर रही है। अगर हम इसको इम्प्रॉपर में करते हैं तो 75/8 कैसे किया, 8 9 72 72 में हमने 3 ऐड किया तो 75/8 आवर्स, कि दो जो वाटर टेप है वो एक टैंक को कितने घंटे में फिल कर रही है, 75/8 आवर्स में। Then question statement क्या है, the tank of larger diameter 10 are less than the smaller one to fill the taps tank separately, find the tap in each separately to fill the tank। क्वेश्चन बोला है कि आपके पास दो वाटर की टेप है, एक स्मॉलर एक आपके पास लार्जर है, तो हमें ये नहीं पता कि स्मॉलर कौन सी लार्जर कौन सी है, तो हम क्या लेट करके चलते कि लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉल टेप, जो छोटी जो टेप है उसमें पानी भरने में कितना टाइम लगता है, एक्स आर, कितना लग रहा है एक्स आर, और जो लार्जर जो टेप है वो क्या है हमारी स्मॉलर टेप से लेस देन है कितनी, 10, तो क्या हो गया एक्स माइनस 10। फिर बोला है कि एक घंटे में जो छोटी वाली जो पाइप है टेप है वो कितना टाइम ले रही है, कितना ले रही है एक घंटे में 1/x, जब हम एक के लिए निकालते हैं क्या करते हैं 1/x निकालेंगे तो क्या करेंगे 1/ करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, देन पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टेप इन 1 आवर, लार्जर टेप में कितना था x माइनस 10, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 1/x माइनस 10। अब बहुत दोनों कितने में कर रही थी हमारे 75/8, तो 1 आवर में कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दें क्या होगा 8/75। क्लियर है तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। अब क्वेश्चन अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये बताना है कि दोनों पाइप ने अलग अलग कितना वाटर फिल किया है टैंक के अंदर, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर सोल्व करते हैं तो क्या होगा कि दोनों मिलके कर रहा है काम, स्मॉल टेप भी और लार्ज टेप भी, तो क्या क्या 1/x प्लस 1/x माइनस 10, बिकॉज स्मॉल का एक घंटा ये है और लार्जर क्या 1/x माइनस 10, और दोनों इकट्ठा कितने देर में कर रहे हैं 8/75। इज दैट क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं इसका एलसीएम, एलसीएम लिया x और x माइनस 10 का, तो ये तो क्या हो गया x माइनस 10 एंड ये क्या हो गया x इज इक्वल्स टू 8/75, x और x कितना हो गया 2x माइनस 10, इसको जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 को 2 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 को 75 से करोगे 2 5 10, 2 7 14, 14 1 कितना हो गया 50x माइनस 750 is equals to 8 को जब इससे करें तो 8x square minus 10 8 80x, ये सारे टर्म जो इस साइड ले आएंगे हम तो 8x square minus 80x minus 150x plus 750 is equals to क्या हो गया 0। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देखो ये क्या माइनस, ये भी क्या माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा माइनस का, 150 को जो 80 माइनस करेंगे तो 0 8 5 13, 1 और 1 क्या हो गया 2x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है क्या, 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0, अब इससे क्या निकालने अपने फैक्टर, तो फैक्टर कैसे निकालोगे, मिडल टर्म को हम स्प्लिट कैसे करते हैं, जो मेथड मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं मल्टीपल, अगर 8 को 750 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है 800 8 5 40 4 कैरी गया 8 7 56 56 और 4 कितना होगा 6000, आपने दो डिजिट ऐसी लेनी है जिनके मल्टीपल करने के बाद तो क्या है 6000 प्लस ये माइनस करने पे क्या मिलेगा आपको 230। अब आप देखो 6 के फैक्टर क्या है, 6 किस किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में कितने पे आता है 3 पे, और 2 और 3 अगर मैं यहाँ पे 200 ले लेती हूँ और ये ले ले 300 तो 6000 मिल जाएगा हमें, आप और गैस में हम मिल जाएगा क्योंकि 200 जो 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 जीरो ये हो गई 2 3 6 6000 हो गया, और 200 जो 30 हम प्लस करते हैं तो यस मैम 230 हो मिल गया हमें।
मिल गया हमें। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं क्या 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इनमें से क्या निकालेंगे कॉमन, कॉमन देखो आप क्या निकाल सकते हो कॉमन, इसके अंदर कॉमन निकालेंगे हम, यहाँ से हो गया x माइनस 8 2 16 8 5 40 माइनस 30 को हम निकाल सकते हैं x माइनस, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 30 की टेबल 75 देखो कितने पे आता है 32 जो 60 150 35 जो 150 तो 25 पे ये आ गया। ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया 8x माइनस 30 एंड x माइनस 25, तो x की वैल्यू एक तो आ गई 30 अपॉन 8 और एक क्या आ गया हमारे पास 25, इसको काटेंगे 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 15/4 एंड क्या आ गया हमारे पास 25। मतलब अगर हम इसमें x की वैल्यू 25 रखते हैं तो हमें ये क्या मिल जाएगा 25 माइनस 10 क्या मिल जाएगा हमें 15। भाई अगर स्मॉलर टैब हमारे पास 25 आई है, ये क्या 25 माइनस में 10 तो 15 मिल जाएगा हमें। यस तो ये क्या हो गया आपके पास आंसर कि हमारे एक स्मॉलर टेप है जो 10 ले रही वो कितना ले रही 25 आज का, जो लार्ज है वो कितना ले रही 15 आज का, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन क्या था कि दो टेप है पाइप की, पाइप आपके पास वाटर टैंक को जो फिल कर रही है ये नहीं पता कि कितने घंटे में फिल कर रही है, बट ये गिवन कि जो लार्जर है वो लेस देन है कितना स्मॉलर टेप का। तो स्मॉल हम क्या मान रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल x मान लिया, लार्ज क्या हो गया x माइनस 10, 1 आदमी कितना हो गया 1 के लिए जब 1 निकालना हो हमें किसी भी चीज का तो हम डिवाइड करते हैं, रिमेम्बर दैट। अगर हमें ज्यादा कोई चीज निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, कम चीज जब हमें निकालनी है तो हम डिवाइड करेंगे, ज्यादा चम चीजें जब हमें निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, इज दैट क्लियर। तो वन आर मतलब कम निकालनी, कम के लिए हमने क्या कर दिया उसका डिवाइड रेसिप्रोकल कर दिया, सेम एज लार्जर किया हमने, देन बोथ टेप पर क्या 8/75 एंड क्या है दोनों का टोटल निकालना तो 1/x + 1/x माइनस में 10 = 8/75। कुछ नहीं किया ओनली सोल्व किया, ऐसे हम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जस्ट क्या किया हमने फैक्टर एंड देन आंसर क्या आ गया आपके पास कि 15/4 जो आपका पॉइंट तो में आया और एक क्या 25, जब स्मॉल हमारा 25 है तो लार्ज क्या हो गया हमारे पास 15 आवर्स। क्लियर यहां तक, आई होप आपको आज के तीनों क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम कराए वो सॉल्व हो गए होंगे और आपको समझ में क्लियरली आ भी गया होगा। अगर आपको मेरी क्लास आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।